Good morning, dear students. In this video, we will discuss about the chapter 9, and the chapter name is Diversity in India, Food and Clothes. तो इस लेसन में हम इंडिया के डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, स्पेशली फूड के बारे में बात करेंगे, ओके? क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन है इंडिया का, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फूड होते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट और सॉइल है वो अलग अलग है. So here you can see the map of India. यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं इंडिया का. And we are divided in the four direction. The first is that the north, and here you can see the south. Then here east and here west. तो ये जो region है, इस area में जो region आता है, यानी जो भी states आते हैं, वो सारे आपके northern states of India हैं. नेक्स्ट, यहाँ पे आप जो ईस्ट पार्ट में देखेंगे, तो ईस्ट पार्ट में जो भी स्टेट आते हैं, जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल है, असम है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे आपके ईस्टर्न स्टेट्स हैं. यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो यू विल गेट दैट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला एंड दीज स्टेट्स आर कॉल्ड द सदर्न स्टेट. नेक्स्ट, इफ यू विल सी इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यू कैन गेट द महाराष्ट्र, राजस्थान एंड गुजरात. तो ये स्टेट आपके वेस्टर्न स्टेट्स हैं. तो इस तरह से हमने डायरेक्शन क्लियर कर लिया. अभी हम देखेंगे जो फूड है. तो फर्स्ट वी सी द नॉर्दर्न स्टेट्स. जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनके फूड हम देखेंगे. वो हमारे बुक में दिया हुआ है. तो फर्स्ट इज गिवन दैट द राजमा राइस, एंड द राजमा राइस इज फेमस इन विच स्टेट, दैट इज द दिल्ली. और दिल्ली इट्स नॉट अ स्टेट, इट्स अ यूनियन टेरेटरी. जो दिल्ली आपका यूनियन टेरेटरी है, नेशनल कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरेटरी, दैट इज कॉल्ड द दिल्ली. और दिल्ली में आपका राजमा राइस फेमस है. नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है, मक्के की रोटी है, सरसों का साग. मक्के की रोटी और सरसों का साग है, ये पंजाब में आपका फेमस है. और ये जो पंजाब है, ये भी आपके नॉर्दर्न स्टेट्स है, ठीक है, इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट्स में से ये है. नेक्स्ट, दम आलू. दम आलू इज रिलेटेड विद द जम्मू एंड कश्मीर, एंड द जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो द यूनियन टेरेटरी इन अवर कंट्री. नेक्स्ट, गलौटी कबाब. तो गलौटी कबाब इज रिलेटेड विद द उत्तर प्रदेश. हमारे उत्तर प्रदेश का है ये गलौटी कबाब, और ये भी आपके नॉर्दर्न स्टेट्स में ही आते हैं. नेक्स्ट विल सी द सदर्न. तो सदर्न में जब आप देखेंगे, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट आपको साउथ मिलेगा. और साउथ में जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे आपको कौन कौन से फूड मिलेंगे, तो यहाँ पे देव है अप्पम. जो अप्पम है, अप्पम इज रिलेटेड विद केरला, एंड डोसा इज रिलेटेड विद तमिलनाडु. नेक्स्ट इज गिवन द हैदराबादी बिरयानी. हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, दैट्स वाई वी कैन से दैट द हैदराबादी बिरयानी इज रिलेटेड विद द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. नेक्स्ट फूड इज गिवन इन आवर बुक, दैट इज द चैटिन चिकन. चिकन करी है, चिकन करी इज रिलेटेड विद द तमिलनाडु. नेक्स्ट वी विल सी द ईस्टर्न स्टेट्स फूड. जो ईस्टर्न स्टेट्स के फूड है, उनको जरा हम डिस्कस कर लेंगे. तो फर्स्ट इज दैट द पूरी एंड आलू भाजी. जो पूरी एंड आलू भाजी है, वो रिलेटेड है किस स्टेट से, तो वो आपके वेस्ट बंगाल वाले रीजन में खा जाता है. नेक्स्ट, सॉफ्ट फिश करी. जो फिश करी है, तो फिश करी आपके वेस्ट बंगाल में भी खा जाता है, लेकिन यहाँ हमारी बुक में असम दिया हुआ है, तो इसलिए ये असम वाले रीजन में भी आपको खा जाता है क्या, फिश करी. नेक्स्ट, एरोम्बा. एरोम्बा इज अ फूड विच इज फेमस इन द मणिपुर. तो मणिपुर वाला यहाँ पे आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनमें आपको ये जो आपके मणिपुर दिखेगा, तो मणिपुर में आपको क्या मिलेगा, एरोम्बा. नेक्स्ट इज दैट द लिट्टी चोखा. जो लिट्टी चोखा है, वो आपके बिहार में फेमस है, और बिहार भी आपका एक ईस्टर्न स्टेट्स है. नेक्स्ट वी विल सी द वेस्टर्न स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान. तो हम यहाँ की जो बात करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहला फूड जो है दाल बाटी. जो दाल बाटी चूरमा दिया हुआ है, तो दाल बाटी चूरमा आपका कहाँ पे फेमस है, वो आपके राजस्थान वाले एरिया में फेमस है. नेक्स्ट, मिसल पाव. जो मिसल पाव है, वो जब पाव से रिलेटेड कोई फूड आता है ना, तो वो आपका फेमस होता है कहाँ पे, ये आपका महाराष्ट्र वाले रीजन में फेमस है. नेक्स्ट, ढोकला. जो ढोकला है, तो ढोकला इज अ फेमस इन द गुजरात. एंड नेक्स्ट इज दैट द कोंकणी फिश फ्राई. कोंकणी फिश फ्राई इज रिलेटेड विथ
दैट इज द गोवा. तो गोवा में आपका ये फेमस है कोंकणी फिश फ्राई. इन दिस वे